Okay, so ladies and gentlemen, please give a big round of applause for Divya Khemka and group for an amazing dance performance. So ladies and gentlemen, हमारे guest of honor दोनों हमारे बीच मौजूद है. एक बार जोरदार तालियां बजा दे हिम श्वेता एंड अहमद फराज के लिए. एक बार जोरदार तालियां guys. I request Mr. अहमद फराज and again Miss हिम श्वेता मैम to please be on the stage. So first of all, thank you so much for having us here. My name is अहमद फराज. I'm sure कोई मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन just to introduce myself, I am a storyteller. I write stories, I narrate stories, I write scripts, I write a few, you know, whatever you small scripts you see, small videos you see on Facebook and Instagram. And so यही सब चलता रहता है. आप लोगों की तरह मैं भी कभी वहाँ बैठता था और आज यहाँ खड़ा हूँ. Thanks to the institute and thanks to everybody who's called me here. So एक बार फिर से ताली हो जाए इस institute के लिए. Okay, पहली बात तो ये कि क्योंकि ये poetry, storytelling और open mic है, तो पहली बात तो ये मुझे बताइए, जो लोग बैठे हैं, जो लोग जा रहे हैं उनसे नहीं पूछ रहा, जो लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग poetry और storytelling में interest रखते हैं? बाकी लोग एंजॉय करने आए. मस्त, राइट. क्या पता है आपको स्टोरी टेलिंग ऐसा डेफिनेशन होता क्या है? व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? प्लीज. ओके, दैट इज वन डेफिनेशन. एनीबडी एल्स वांट्स टू से व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? अरे कोई तो बोलो. हाँ प्लीज. सॉरी, फीलिंग्स. ओके, यस, दैट्स वन वे ऑफ पुटिंग इट. ओके, व्हाट डू यू थिंक फिल्म्स आर? व्हाट डू यू थिंक मूवीज आर? स्टोरीज. दैट्स आल्सो वन फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग. व्हाट डू यू थिंक ऑल दीज यूट्यूबर्स आर डूइंग दीज डेज? विजुअल स्टोरी टेलिंग. Very good. So YouTubers are doing visual storytelling. So what I'm trying to come to is everywhere, every second of the day when you scroll your mobile phone through Facebook and Instagram, you see a lot of people doing storytelling in different forms. अच्छा, इन आप में से कितने लोग कहानियां पढ़ने में interested हैं? ज़्यादा हाथ खड़े हुए. Books. Nice, nice. Okay, okay. So what are books according to you? Storytelling. So the author is trying to tell your story in his own words, right? As per your definition also, we tell our story or the story in our own words. That's what storytelling is. So storytelling is an art where you tell any story, any bloody story in your own words. अब सबसे सबसे बड़ा सवाल जो मेरे सामने लोग पूछते हैं मुझसे अक्सर इवेंट्स में, कि आप स्टोरी का टॉपिक कैसे चूज करते हैं? हाउ डू यू चूज अ टॉपिक फॉर अ स्टोरी? कैन एनीबडी टेल मी एन एग्जांपल, हाउ डू यू चूज अ टॉपिक फॉर अ स्टोरी? इफ यू हैव टू राइट अ स्टोरी, हाउ डू यू चूज अ टॉपिक? सबके पास फेसबुक अकाउंट है, राइट? सबके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होगा. कौन मना कर रहा है यहाँ पर? ओके, वेलकम टू 21st सेंचुरी. सो जिनके पास है, आई एम श्योर आप लोगों को फेसबुक जब आप स्क्रॉल करते हैं हर महीने एक अपने आप वीडियो बना के बोल देता है, दिस इज योर अगस्त मेमोरीज, दिस इज योर सितंबर मेमोरीज, दिस इज योर जुलाई मेमोरीज, राइट? व्हाट आर मेमोरीज? वाह, लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया भाई ने. वाह वाह, अच्छा क्या. Okay, let me rephrase the question. For example, now the August month is over,
वी आर इन सिटिंग इन सितंबर, राइट? क्या अगस्त में जो आप लोगों ने किया या कोई इंसिडेंट्स या कोई मेमोरीज या कुछ भी, क्या वो स्टोरी हो सकती है? राइट, अगस्त में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो आपने चीजें की, क्या शायद कहीं घूमने गए या एग्जाम्स हुए या कुछ कोई गर्लफ्रेंड बनी, बॉयफ्रेंड बना, कुछ भी, वो स्टोरीज हो सकती हैं, राइट? सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज कि स्टोरी टेलिंग का टॉपिक चूज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? अनटिलनेस यू आर हैविंग अ राइटर्स ब्लॉक, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट या अगर आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं, सबसे पहली चीज आप ये नहीं करेंगे कि आप बैठेंगे और सोचेंगे कि मैं किस टॉपिक पे लिखूं, नहीं, आप सिर्फ अपनी मेमोरीज को याद कीजिए। 1 महीने पुरानी नहीं, 1 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, जो भी मेमोरीज, जो फॉन्ड मेमोरीज आपके दिमाग में आती हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके दिमाग में आते हैं जो आपको कहते हैं ना कि जिसका दिमाग में बैठ चुके हैं, जो जिंदगी भर निकलेंगे नहीं, सबसे पहली कहानियां उन पे लिखिए। फर्स्ट, सो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग माय फर्स्ट स्टोरी नेम वाज वो जंगल की वो शाम, राइट? सो जंगल की वो शाम इज नॉट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, इट्स नॉट समथिंग विच यू नो आई ड्रो फ्रॉम समवेयर, आई रेड और समवेयर, इट एक्चुअली हैपेंड विद मी। So it was my own incident, a memory, which I actually wrote in a form of story. Obviously, when you write a story, you have to make it lucrative enough for audience to listen, right? खैर मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि एक कहानी सुनना चाहेंगे। ओके, तो एक मेरी लिखी हुई कहानी है, आई एम श्योर हिमश्रुता ने सुन रखी है, और बिकॉज सी मी एंड हिमश्रुता हैव बीन परफॉर्मिंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी इज एन अमेजिंग पोएट। आपने पोएम सुनाई कोई? हाँ जी। आपने पोएम सुनी? अभी तो आपने सैंपल देखा है, यू नो, स्टार्ट फॉलोइंग हर ऑन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यू विल गेट टू हेयर एंड सी अ लॉट ऑफ हर कंटेंट विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। थैंक यू। सो ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को लेके है, थोड़ी सी फ्रेंडशिप के ऊपर है, थोड़ी सी यादों के ऊपर है, और थोड़ी सी इमोशनल है। अपने घर के बाहर एक बड़े से आंगन में एक रॉकिंग चेयर पे बैठ के प्रदीप चाय की चुस्कियों के बीच सामने सड़क पे 2 बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। वो बच्चे इस तरह से खेल रहे थे मानो उनको जुदा करना उस वक्त नामुमकिन सा है। प्रदीप एक 60 साल का बुढ़ा था जो अपनी लाइफ में सब अचीव कर चुका था और अब अपने आराम की जिंदगी बिता रहा था, लेकिन उन बच्चों को खेलते हुए देख के उसको एक किस्सा याद आ गया। वो किस्सा था उसके दोस्त असद का। यह बात है 1946 की, जब आजादी की लड़ाई चरम सीमा पे थी। उसका एक दोस्त था असद, जो उसके घर के सामने रहा करता था। असद का प्रदीप के घर आना, प्रदीप का असद के घर आना अक्सर लगा रहता था। एक टाइम का खाना प्रदीप असद के घर खाता था तो दूसरे टाइम का असद प्रदीप के घर। इतनी मोहब्बत और इतनी दोस्ती थी दोनों में कि असद हर दिवाली पे अपने दोस्त प्रदीप के लिए लक्ष्मी जी की मूर्तियां बनाया करता था छोटी छोटी, ताकि वो उनकी पूजा कर सके। और हर ईद पे प्रदीप अपने बाबा के बटुए में से 2 रुपए चुराकर अपने दोस्त असद को ईदी दिया करता था ताकि उससे गले मिल सके। इस कदर दोस्ती थी दोनों में, इस कदर प्यार था। खैर वक्त गुजरा, 1947 आया और इंडिया आजाद हुआ, और उसके बाद बना पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के बाद यहां से लोग वहां जाने लगे, वहां से लोग यहां आने लगे, और इस बीच में बहुत खून खराबा, बहुत जद्दोजहद, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इस देश में आने लगी। और इस बीच हर मोहल्ले में से अलग अलग लोगों को निकाल के फेंका जाने लगा। इसी बीच कुछ लोगों को पता लगा कि असद का परिवार उस मोहल्ले में एक लौता मुसलमान परिवार है। वो लोग वहां पहुंच गए, असद के घर घुस गए, और असद के घर वालों को घसीट के बाहर निकालने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, उनके बाल नोच के बाहर निकाला, सामान बाहर फेंक दिया। प्रदीप अपने घर की छत पर खड़े होकर यह सब देख रहा था, और प्रदीप की आंखों में एक इंतजार था। वो अपने बाबा से उन इंतजार भरी निगाहों से बोल रहा था कि बाबा तुम कुछ करते क्यों नहीं, बाबा
मेरे दोस्त असद को निकाल के फेंका जा रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन उस वक्त हालातों के हाथे वो मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। खैर, उसके दोस्त को बाहर निकाल के फेंका जा रहा था, असद नीचे गिरा और असद के मुंह से आवाज निकली, प्रदीप। प्रदीप ने ऊपर छत पर खड़े होकर असद को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और वहां से ऐसे ही देखते देखते एक दूसरे से जुदा हो गए। आज उस बात को 50 साल हो चुके हैं और यह बंदा आज उस इंसिडेंट को याद करके ये सोच रहा है कि काश मैंने अपने दोस्त को रोक लिया होता। मैंने जिंदगी में सब कुछ कर लिया लेकिन अपने दोस्त से माफी नहीं मांग पाया क्योंकि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। फिर वो सोचता है कि मरने से पहले एक बार उसके घर जाऊंगा जरूर, एक बार उससे माफी मांगूंगा जरूर। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सारे जुगाड़ लगा के पता लगाता है कि असद का परिवार कराची में किसी मोहल्ले में रहता है। वो वीजा निकलवाता है, पैसे लेता है और कुछ सामान नहीं लेता, एक झोला लेता है, उसके अंदर एक लकड़ी का डब्बा रखा है, वो लेके सीधा कराची पहुंच जाता है। कराची में ये उसके घर के बाहर खड़ा है। अब इसकी हालत वापस उस 10 साल के बच्चे की तरह है जब ये उस वक्त हुआ करता था जब अपने दोस्त के साथ खेला करता था। ये आहिस्ता सा दरवाजा खोलता है, अंदर घुसता है और सबसे पहली नजर इसकी किस पे पड़ती है? एक बड़े से शोकेस पे जहां पर असद ने उन 50 साल की 50 दिवालियों के 50 लक्ष्मी जी की मूर्तियां बना के अपने दोस्त की याद में सजा के रख रखी हैं। वो उसको जोर से आवाज देता है, असद बाहर निकल के आता है, अपना चश्मा एडजस्ट करके गौर से देखता है, पहचानने की कोशिश करता है और फिर उसके मुंह से आवाज निकलती है, प्रदीप। ये कहना था और दोनों गले मिल जाते हैं। उसके बाद वो अपने लकड़ी के झोले में से वो लकड़ी का डब्बा निकाल के उसको देता है। असद वो डब्बा खोलता है, उस डब्बे में उन 50 साल के 50 ईद के वो दो दो रुपए थे जो उसने अपने दोस्त के लिए बचा के रखे थे याद में। वो दोनों गले मिलते हैं और उनकी आज़ादी आज ख़त्म हुई है इंतज़ार की। देखिए, ये कहानी कोई पिक्चर की कहानी नहीं है, ये कहानी आपने शायद कहीं वीडियो में नहीं देखी होगी, लेकिन ये कहानी बहुत सारे इंसिडेंट्स से इंस्पायर है। यू नो, माय मैटरनल ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी अ फ्रीडम फाइटर एंड ही यूज्ड टू नरेट मी अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम दैट टाइम। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हुई, क्या नहीं हुई, क्या हुई। सो कहीं ना कहीं, यू नो, एज आई वॉज सेइंग कि आप जब कोई कहानी लिखने जाएंगे तो सबसे पहले उन इंसिडेंसेस पे, सबसे पहले उन चीज़ों पे लिखिए जो आपके दिमाग में बहुत प्रोमिनेंट हैं, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की कोई किस्सा हो या आपका आपके साथ बीता हुआ कोई किस्सा हो या बचपन की कोई याद हो। क्योंकि देखिए, सबके मन में, सबके दिमाग में सबसे प्रोमिनेंट जो चीज़ होती है वो उनका बचपन होता है, सबसे प्रोमिनेंट चीज़। चाहे आप माने इसको या ना माने, वैन यू सिट डाउन एंड थिंक, you will find the most prominent memory in your mind is your childhood. So if you start writing about your childhood, believe me, a lot of thoughts will start coming to your mind automatically without any efforts. Because jab tak likhne nahi baithenge na, tab tak pata nahi lagega ki aapke andar kitna bhara pada hai jo bahar nikalne ko utavla ho raha hai, right? Aur bhara pada hai matlab yahan. So all I can say, you know, storytelling, and as we say in Urdu, it's called Dastan Goi. So Dastan Goi, jo theater se related hai, unko pata hoga Dastan Goi kya hoti hai. Ye ek dying art hai. Not many people are here in Delhi especially jo Dastan Goi ya storytelling kar rahe hain. Aap log young hain, abhi start kar rahe hain. आप सब से मैं बोलूँगा, अगर आपको कहानियाँ पढ़ने में इंटरेस्ट है तो कहानियाँ लिखने में ऑटोमेटिकली होगा। जो कहानियां पढ़ते हैं वो कहानियां लिख भी सकते हैं। कहानी सुनाओगे तब पता लगेगा कि कहानी सुनाने में कितना मजा आता है, कहानी सुनने में कितना मजा आता है। और ये यू नो, आई एम नॉट सेइंग एज अ स्टोरी टेलर, आई एम सेइंग प्रोबेबली एज अ सीनियर ऑफ योर्स, डू नॉट लेट दिस आर्ट डाई। स्टार्ट राइटिंग स्टोरीज, स्टार्ट नरेटिंग स्टोरीज टू रैंडम पीपल इन योर हाउस और योर फ्रिटर्निटी, बिकॉज द मोर यू नरेट द मोर यू विल रियलाइज हाउ गुड यू कैन बी, you know, in storytelling. That's all from me. Thank you so much.
please give a big round of applause. Ma'am, please come on stage. Sir, 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 please, sir. Now I would like to ask Sonia ma'am to felicitate him, Shweta ma'am. Give a big round of applause, guys. Now Riya will tell you something about Mr. Ahmed Faraz. After working in media, advertising, marketing industry for over a decade, in his college days from Jamia, he has been an active theatre personality. He currently is an inspiration across various open mic events in over country. He is a storyteller, poet, writer. His dream is to bring fallen, forgotten Dastan Koi, the ancient art of storytelling. Give a big round of applause, guys. Now I request Riya to tell something about Ms. Himshweta ma'am. Vivid, vivacious blogger by profession, she is a celebrity, also known as the poet of Hindustan, the Nightingale. Ladies and gentlemen, please give it up for Ms. Himshweta. Give a big round of applause, guys. Zordar, ek baar khade hoke zordar taali baja dijiye sir. Now I would like to request Tushar to say something about this event. I just want to say thank you to each and everybody present here, and to all the participants who have registered for the event. So I think your journey as a writer has begun. Now all you have to do is you have to just work hard, narrate your story as Ahmed sir has said. Thank you so much. Thank you, Tushar. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, ladies and gentlemen, give a big round of applause for Himanshi and group for an amazing dance performance. थिएटर में हमें एक चीज सिखाई जाती है कि अपना वॉइस को ना कैरेक्टर के हिसाब से मॉड्यूलेट करना होता है. अगर आप किसी बुजुर्ग का कर रहे होते हो या फिर आप किसी बच्चे का कर रहे होते हो तो आपको मॉड्यूलेट करना होता है. तो मैंने जहाँ तक रोल्स किए, मैंने एक बच्चे का भी किया जिसमें ये आवाज तक से अरे क्या हो गया ये आवाज तक सर किया मैंने. तो वॉइस मॉड्यूलेशन में आप सर को भी बताना, तो मैं थोड़ा बहुत वॉइस मॉड्यूलेशन कर लेता हूँ. तो सर आपको मैं दो तीन आवाज़ें अभी करके दिखाता हूँ सर. मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी मांगता है कि मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री करूँ. ओके ओके ठीक है. ओके सर, सर मैं पहली जो एक्ट दिखाने वाला हूँ वो है इरफान खान की सर. क्या भैया, बस समझ गए, एक बस समझ लो, दिमाग में बत्ती बनाकर डल लो. ये क्या हो रहा है, कुछ आइडिया है? एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया, हमारे जो इवेंट हुआ है आज पूरे दिन में. तालियां बहुत धीरे बजिए भैया, क्योंकि अगर क्या भैया क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा भैया, तुम्हारी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है भाई. इतनी नीचे कि हम खोद के भी निकालेंगे तो नहीं निकलेगा भैया. अब हमारे एक दोस्त हैं, वो आने वाले हैं, उनका स्वागत कीजिएगा सर. ओए ओए लाजो रानी, अरे किधर चली गई? अरे मेरी परफॉर्मेंस थी, सिमरन भी भगा दी, अब कौन नाचेगा मेरे साथ? आए क्या भैया, ये बात तो जो तुमने कह दी वो कह दी, तुम्हारे साथ कोई आया कि नहीं है? कमाल करते हो पांडे जी, हम तुम में अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले. और हाँ, ओपन माइक तो कुछ भी बोलोगे क्या, कुछ भी हैं? थैंक यू लेडीज, थैंक यू सर. ओके, बैक टू ओपन माइक. जो मैं कर रहा था वो ओपन माइक ही है, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर मैं ये सब कर रहा हूँ बिना स्क्रिप्ट के, बिना इस चीज़ के, तो आप में भी बहुत टैलेंट है कि आप स्टेज पर आएँ और बोलें, कुछ भी बोलें लेकिन बोलें. और हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मनीषा. हेलो माई डियर फ्रेंड्स, माई रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड आई स्टीम गेस्ट. सो मेरा नाम मनीषा रॉय है एंड मैं फिफ्थ सेमेस्टर BGMC डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ. एंड मेरी कविता का शीर्षक है जीने दो. जीने दो मुझको, मुझे भी है आज़ाद उड़ना, लहराकर पंखों को हवा में, बादलों के संग जुड़ना. संस्कार और शर्म की सीख मुझको ना देना तुम, लड़की हूँ ये सोचकर
करते हो कितने जुल्म, अमानवता की हर सीमा को पार कर चुके हो तुम। नारी संग अत्याचार पर उनके असभ्य कपड़ों का तुक देते हो तुम। बेटी के जन्म से पहले उसको मृत्यु देकर बनते हो तुम महान, उसे कोख में मारते और बेटे के जन्म पर बांटते हो पकवान। वाह रे मानवता, तेरी भी क्या दाद है, पर सुन ले तू भी ये कि दुनिया नारी से ही आबाद है। अपने घर में तू माँ बहन को रखता है सहेज के, पर बीवी आती है घर संग उसके दहेज के। खोखले समाज की ये खोखली सी कहानी है, मर्द करे तो सब सही पर औरत करे तो बेईमानी है। बेटा दिन रात बाहर रहे पर फिर भी कोई सवाल ना आता उसके आड़े, पर बेटियों के पढ़ाई पर न जाने कितनी बार लग जाते हैं ताले। नारी का तो जीवन ही एक लंबी संघर्ष है, अगर जीवन में खुशी मिले तो चीर हरण करना तो बाहरी लोगों का फर्ज है। बच्ची हो या अम्मा हो, करते ना ये भेदभाव, दानवता को पीछे छोड़ना बन गया है इनका स्वभाव। पर बहुत हुआ अब सिसक सिसक कर रोना, अब वक्त है बताने का कि औरत नहीं है कोई खिलौना। नारी शक्ति को ना तू ललकार, पछताएगा फिर तू प्यारे, औरत चाहे तो ममता लुटाए या फिर वो बरसाए अंगारे। हौसला देने पर क्या नहीं कर सकती है बेटी, राष्ट्रपति मिस वर्ल्ड जैसे खिताब भी वह अपने नाम है कर लेती। नारी को ना समझो तुम इतना कमजोर, जनती है वो तुमको सहकर पीड़ा कठोर। तो मानवता की हद में रहकर सीखो अब जीना तुम, सुधर जाओ तुम, अब तो यही है बस कहने को, खुद भी संभल कर जियो और हमें भी जीने दो, और हमें भी जीने दो। एक और पोएम है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा इमोशनल है बिकॉज कुछ मंथ्स पहले मेरी मम्मा हॉस्पिटलाइज थी एंड आई वाज लिटरली ब्रोकन। तो उस टाइम जो मेरी फीलिंग्स है मैंने बस उसको वर्ड्स में ट्रांसलेट किया एंड आई जस्ट रोट दिस पोएम। ओके, तो जो पोएम है उसका शीर्षक है मेरी माँ। ममता सी पूर्ण तारों सी जगमगाती, हर पल करती मुझसे प्रेम कभी ना कतराती। देखभाल करके सबका वो अपना दिन है बिताती, शेरनी सी है बहादुर दुख से कभी ना घबराती। मुझ पे लुटाती है जो अपना जहां वो है मेरी माँ। आंखें हैं सागर सी गहरी, जाने कितनी बातें हैं छुपाए, जग में जिसकी बोली मेरे दिल को सबसे ज्यादा भाए। रूप है मानो लक्ष्मी अपना प्रेम धन जो सब पर बरसाए, अपने सुहाने मौजूदगी से मेरे जीवन को महकाए। वो है मेरी माँ जो रोते वक्त भी मुझको हंसाए। जीवन की धूप छाँव में जो रहती संग मेरे, अपनी रोशनी से जो चीर दे काले अंधेरे। खुद छुपाए गम न आने दे आंसू आंखों में मेरे, हौसले से अपने मजबूत करती है वो मेरे सपने सुनहरी। मेरी खुशियों की फुलवारी मेरी माँ जग में है सबसे न्यारी सबसे प्यारी। थैंक यू सो मच गाइस। नाउ वी कॉल अपॉन आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट हु इज सुमेधा। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। ओके, सो माय नेम इज सुमेधा और मेरा टॉपिक प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है, तो होप सो आप सबको पसंद आएगा। तो गाइज, हम सब की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका होता है और ब्रेकअप के बाद भी हमको कंसर्न पर्सन की याद आती है। तो मेरी पोइट्री उसी के बारे में है। तो मुझे कुछ इस तरह याद आता है, अंधेरों में फिर उजाला सा छा जाता है। तेरी मुस्कान को याद करके दिल फिर से खुश सा हो जाता है, ना जाने क्यों तू मुझे ऐसे याद आता है। तेरी आँखों में छिपी वो शरारतें याद आती हैं, हवाओं में तेरी खुशबू चाह के भी नहीं भूली जाती है। तेरी उस बचपने को याद करके दिल फिर से खुश सा हो जाता है, ना जाने क्यों तू मुझे ऐसे याद आता है। तेरे साथ बिताए वो पल जहन में ऐसे बसे हैं, मैं लाख कोशिश करूं भुलाने की पर लौट के दिल फिर से तेरे पास ही आता है। क्यों बार बार याद तुझे करके दिल ऐसे खुश हो जाता है, ना जाने क्यों क्यों तू मुझे ऐसे याद आता है। जब छोड़ के गया था मेरा हाथ तू उस मोड़ पर, जब छोड़ के गया था मेरा हाथ तू उस मोड़ पर, दिल कुछ हजार टुकड़ों में बट गया था। फिर सोचा था ये भी उसी नौटंकी का हिस्सा है जो कर रहा था तू कल, मगर हमें कहाँ इल्म था कि लौट कर तू कभी आएगा ना। फिर चेहरा तेरा मुस्काता हुआ अभी भी मुझे याद है, तेरे बाद किसी और का हो जाऊं उस प्यार में कहाँ कुछ खास है। याद तुझे करके दिल को खुश करने का भी अलग ही एहसास है, प्यार तुझे अभी भी करता हूँ यही एक आभास है। अब जान चुका हूँ ये कि क्यों तू मुझे ऐसे याद आता है, क्यों अंधेरों में फिर उजाला छा जाता है।
क्यों चाह के भी नहीं तुझे भूला जाता है, क्यों तू मुझे ऐसे याद आता है। थैंक यू सो मच यार इतना प्यार बांटने के लिए। नाउ वी कॉल अपॉन आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है जिज्ञासा। बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का सावन आया है। मेरी जो भी लाइंस हैं वो मोहब्बत से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सॉन्ग गाया। ओके, माय नेम इज़ जिज्ञासा एंड आई एम फ्रॉम BJMC डिपार्टमेंट, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। लाख ढूंढा तुझे जमाने में, लेकिन ना तू मिला ना तेरे जैसा मिला। हर भीड़ में ढूंढा, फिर भी ना जाने क्यों नहीं मिला। हर किसी की हंसी देखी, लेकिन तेरी हंसी जैसा सुकून किसी में भी नहीं मिला। नाउ आई विल स्टार्ट माई लाइन्स। I always reserved myself for the one I deserve. You came into my vision and said all the things usually I do not observe. Then I start noticing that you are staring me from that corner of the room. By seeing your smiley face, I believe that maybe you are a drug of my gloom. You hold my hand and I gave you myself on the till last my breath. We promised each other that we will be one soul till our death. So the 3 years gone like a single frame of the most beautiful picture ever seen. You made me believe that love is also there in our destiny, in my destiny too. You made me believe. Then I found something weird in that frame. You made me through ears. You stabbed my heart and do things which I deserve with others. And blame the drinks and people. Still I stand there. Do see what else you have for me. People call me by your name, you by mine. Enough love for me, I think. Was it necessary to break the rules of love in the name of love? You loved me, I know. But you will be played with my trust. I shattered into small pieces after seeing this game twice. I only love my self-respect now and erased all the memories. Should maybe in the future somebody will come and collect those pieces from the ground and make one sky. Thank you. Dushmano ki mehfil mein chal raha tha mere qatil ki taiyari, main pahuncha to bole bahut lambi umar hai taiyari. Hi, my name is Harry Nehra, main BJMC third semester se hu. To shuru kare fir. मेरी क्लास का कौन? कितना दूर निकल गए ये रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने आपको पाते पाते। लोग कहते हैं कि दर्द है दिल में और हम थक गए मुस्कुराते मुस्कुराते। याद में तेरी आंखें भरता है कोई, हर सांस के साथ तुझे याद करता है कोई। मौत तो ऐसी चीज़ है जिसको आना ही है यारो, लेकिन तेरी जुदाई में हर रोज़ मरता है कोई। इश्क ऐसा करो कि धड़कन में बस जाए, सांस भी लो तो खुशबू उसकी आए। प्यार का नशा आंखों पे छा जाए, बात कुछ भी हो पर नाम उसी का है। कुछ मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझे, बिन मतलब जो है क्या बात है। कुछ मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझे, कोई मतलब के लिए आए तो क्या बात है। कत्ल करके तो सब चले जाएंगे, कोई बातों से ले जाए तो क्या बात है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता गर्ग, आई एम फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। एंड दो हमें बोला गया था कि हमारा फर्स्ट मिनट जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, तो आई हैव बीन राइटिंग फ्रॉम आई गेस 2 ईयर्स। एंड जो मेरी सबसे प्यारी पोएम है, जो मेरे दिल के बहुत पास है, मैं वो सुनाने वाली हूँ। हाँ, कहा था कि तू एक आदत है, वक्त के साथ किसी और की लग जाएगी और तू वहीं पीछे रह जाएगा। पर ये कहना शायद भूल गई थी कि तेरे बाद किसी को भी आदत बना लेने की आदत नहीं रहेगी। एंड नाउ मेरी जो पोइट्री है वो एक ऐसे टॉपिक पे है जो लोग ज़्यादा बात करना नहीं पसंद करते, या फिर जिन्हें लगता है कि वो बहुत बुरी चीज़ है उसके ऊपर है। जानते हैं मैं हूँ क्या? मैं हूँ वैश्या। हाँ, मैं हूँ वैश्या। पता है मैंने है क्या क्या किया? मैं नाचती हूँ कोठों पर, खुश होती हूँ बस नोटों पर। हर रात
हर रात अपना जिस्म बेचती हूँ, इतना दर्द मैं बस पैसों के लिए तो सहती हूँ। मैं लोगों की रातें रंगीन करती हूँ, हर रात ये अपराध संगीन करती हूँ। मेरा नाम आम में लेने लायक नहीं, मेरा नाम आम में लेने लायक नहीं, पैसों के सिवा मेरी जिंदगी का कोई नायक नहीं। समाज में ना है अस्तित्व ना कोई ईमान, समाज के लिए तो मैं हूँ ही नहीं इंसान। अगर है तो बस है एक पहचान कि हूँ एक कोठे वाली, करती हूँ अपना ही जिस्म नीलाम। हर रात मेरी एक नए ग्राहक के साथ होती है, हर रात मेरी आत्मा अपनी पहचान खोती है। मेरी माँ का भी तो यही काम था, नहीं जानती मेरे पिता का क्या नाम था। जानकर भी क्या कर लेती, वो भी एक वैश्या थी, काम उनका लोगों को सुख देना था, चिंता नहीं। विरासत में उनसे बस यही एक काम मिला, जिसके कारण ही शायद जीवन में मुझे कुछ ना मिला। नहीं नहीं, गलती उनकी नहीं, उन्होंने पढ़ाना चाहा था, पर क्या करें, मालकिन को ये बिल्कुल न गवारा था। न जाने दिया मुझे इस नर्क से बाहर, न बनने दी कोई पहचान, उनके दबाव में ही तो मुझे खोना पड़ा मेरा ईमान। अब लोगों को भी क्या दोष दूँ जो मुझ पर थूक कर जाते हैं, नहीं जानते वो मेरा सच, बस कुछ भी कह जाते हैं। दुख तो खूब होता है पर अब आदत सी हो गई है। सोचती हूँ कभी क्या मेरी ये आदत वाकई सही है, क्या मुझे जीने का कोई मौका मिलेगा, क्या मेरे जीवन में प्यार का फूल खिलेगा। हम दर्द नहीं, हम सफ़र नहीं, बस एक हम दर्द चाहिए। ईमान नहीं, थोड़ी सी बस इज्जत चाहिए। पहचान नहीं, थोड़ा सा बस प्यार चाहिए। अरमान है बस एक, कोई वैश्या नहीं वैष्णवी कहकर बुलाए। पैसे देकर नहीं, प्यार देकर गले से लगाए। किसी के घर टूटने का नहीं, जुड़ने का कारण बनना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार किसी की ज़िंदगी के दुख का निवारण बनना चाहती हूँ। किसी की बीवी ना सही, बहन बनना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार एक वैश्या नहीं, इंसान बनना चाहती हूँ। जानती हूँ ऐसे सपने मेरे लिए नहीं हैं, पर क्या करूँ, इंसान हूँ, सपने मेरे बस में नहीं हैं। इसलिए हर बार ये सपना आँख से बूंद के साथ बहा देती हूँ, और फिर किसी कमरे में जाकर किसी ग्राहक को वो सुख देती हूँ। बस यही मेरे जीवन का सार है, एक ही मेरा काम, और ये काम ही मेरा संसार है, ये काम ही मेरा संसार है। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, वेरी बिग। सो गाइस, आवर लास्ट कंटेस्टेंट इज अक्षिता राणा। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस अगेन। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ अक्षिता राणा एंड आई एम फ्रॉम BJMC डिपार्टमेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई पोएम ऑन अ वेरी कॉमन बट सेंसिटिव टॉपिक, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। सो माई पोएम इज मर्सी, ओ लॉर्ड मर्सी, प्लीज लिसन टू मी, वाई आर प्रेयर्स डोंट रीच योर ईयर्स, कांट यू सी आर हेल्पलेस टीयर्स, वाई इन दिस वर्ल्ड ऑफ मॉडर्नाइजेशन देयर इज स्टिल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वाई द गर्ल्स आर थॉट टू बी कॉज ऑफ टेंशन एंड बॉयज आर कंसिडर्ड ब्लैंक एक्सटेंशन। Girls when born, tears are in the eyes. Boys wear tears at every sight. Expectation for boys is always there, and having a girl is the only fear. Humans are God creation. Don't insult them with this division. Parents, boys and girls are same. Don't continue your vision to the boy's name. She was Ahilya, Savitri, Gargi in the ancient time. She is Kalpana, Sunita and Indra in the modern time. Then why the soul of Damini cries? She goes through the barbarous suffering and dies. The whole nation stood with her, came out their nest and support her. She suffered for 14 days, but all her pain went to wing. There is no need of such comment. There is no need of such safety worms. Woman empowerment is the need of time. Let her enjoy the breath of life. Let the girls breathe. Give her a little chance. Flying very high and high, moving ahead with pride. Thank you. Give a big round of applause, guys. So, jitne bhi participants hain, please main chahunga stage pe aa jaye. Participants.